अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम अपनी वीडियो में एक न्यू एंड इफेक्टिव बनाना सीखेंगे। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा ये। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक रेक्टेंगल टूल के थ्रू एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया फुल पेज का, और इसका जो कलर है रेक्टेंगल का पेज का वो मैंने ब्लैक कलर रखा है, बिकॉज न्यू एंड इफेक्ट जो होता है वो हमेशा डार्क वॉल्स और डार्क कलर की स्क्रीन पर ही शो होता है और ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है। और यहाँ पर मैं टेक्स्ट ऐड कर रही हूँ। आप जैसे कि आपको पता है कि ईद आने वाली है, तो उसके लिए मैंने कहा चलें ईद मुबारक का एक व्हाट्सएप का स्टेटस भी बन सकता है ये, तो मैं वो बना लेती हूँ। न्यू इफेक्ट ये अच्छा भी लगेगा, तो मैंने यहाँ पर न्यू इफेक्ट में टेक्स्ट जो है वो ईद मुबारक का ऐड किया है, और इसको मैंने सेंटर में बिल्कुल अलाइन कर दिया। अब मैं इसको जूम इन कर रही हूँ ताकि ये पेज के सेंटर में रहे, और इस यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट स्टाइल है वो मैं चेंज कर रही हूँ। बोल्ड इफेक्ट मैंने लिया है क्योंकि इस पर ज़्यादा अच्छा और प्रोमिनेंट लगेगा जो हमारा नियॉन इफेक्ट है। नियॉन इफेक्ट मींस ग्लोइंग इफेक्ट, ये हमारे टेक्स्ट को ग्लो करके भी दिखाता है। यहाँ से मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और मैं ऑब्जेक्ट में गई हूँ, और वहाँ से मैंने पाथ एंड देन ऑफसेट पाथ को चूज़ किया। उसके बाद मैंने उसकी वैल्यू जो है मैंने अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली 9 रखी है। आप इसका प्रीव्यू ऑन करके आप देख सकते हैं कि आपको कितनी वैल्यू चाहिए इसकी। देन मैंने दोनों टेक्स्ट की आउटलाइन, इनर आउटलाइन और बैकवर्ड की जो हमने कॉपी क्रिएट किया, ऑफसेट का बेसिकली मतलब होता है कॉपी क्रिएट करना, जो मैंने कॉपी क्रिएट की है हमने इन दोनों को अलग-अलग सिलेक्ट करके इनर साइड को और आउटर साइड को अलग-अलग ग्रुप में कन्वर्ट कर लेना। इट मींस कि मैंने पहले जो है वो इनर साइड की सारे जो टेक्स्ट हैं उसको अलग अलग से सिलेक्ट किया बाय प्रेसिंग शिफ्ट, और उसको मैंने ग्रुप कर लिया। और जो बैकवर्ड की जो कॉपी है उसको मैंने सिलेक्ट किया है शिफ्ट प्रेस करके, तो उसको हमने एक ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया। जो बैकवर्ड की कॉपी है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसमें हम इफेक्ट के ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ से ब्लर एंड देन गेशन ब्लर, प्रीव्यू को ऑन रखेंगे। सबसे पहले जो हम इफेक्ट अपना अप्लाई करेंगे वो हमारा लोअर वैल्यू का होगा, बिकॉज़ हमने एक इफेक्ट नहीं अप्लाई करना, हमने एक से ज़्यादा इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं। सो हम इसका जो फर्स्ट इफेक्ट होगा वो हम कम वैल्यू का रखेंगे। देन हमने इसका अगेन एक इफेक्ट अप्लाई करना है, फिर ब्लर में जाएंगे, देन गॉशियन ब्लर में, और इसकी प्रीव्यू वैल्यू को ऑन करके हम देखेंगे कि हमें कितना सही लग रहा है। तो इसका हमने इस बार जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। जो इनर साइड की जो कॉपी इनर आउटलाइन है उसको सिलेक्ट करेंगे और उस आउटलाइन का कलर वाइट कर देंगे, वाइट हमारी जो नियॉन इफेक्ट है उसको ज़्यादा प्रोमिनेंट करेगा। नेक्स्ट हमने जो आउटर साइड है इसकी एक और कॉपी लेनी है और उसको वहीं पे पेस्ट कर देना है, और सेंड टू बैक करेंगे, जिसकी वजह से हमारा एक और कॉपी जो है गॉशियन ब्लर की वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, और उसकी प्रीव्यू वैल्यू को ऑन करके हम अगेन गॉशियन ब्लर में जाकर अपनी प्रीव्यू वैल्यू को ऑन करके और इसका वैल्यू बढ़ाकर ओके करेंगे। Now our neon effect is ready to view.